आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दिल्ली, जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने पर रोकी गई कार्रवाई। दिल्ली NCR में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए DDMA का फैसला, मास्क न पहनने पर लगेगा जुर्माना। खुले रहेंगे स्कूल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कमिश्नर सुरेंद्र कुमार सिंह ने MDA का किया औचक निरीक्षण, गैरहाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। ब्रह्मोस ने दिखाई ताकत, मिसाइल ने एक ही टारगेट पर दो बार किया सीधा वार, दोनों परीक्षण रहे सफल। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2067 नए मामले आए सामने, 1547 लोग हुए डिस्चार्ज। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का किया उद्घाटन। गुजरात में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ बोले, आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना मेरे लिए गर्व की बात है। WHO के मुताबिक विश्व में 80% लोग पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। इस औषधि के ज्ञान का सम्मान ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसे बचाना और उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रहा है, इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री, आदिजाति महासम्मेलन में पहुंचे PM, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ा प्रोजेक्ट है। ब्रिटिश PM का दौरा, बोरिस जॉनसन कल पहुंचेंगे भारत, PM मोदी से होगी अहम चर्चा। बंगाल बिजनेस समिट 2022, कोविड के बाद पहला निवेश सम्मेलन, ममता बैनर्जी ने बताए विकास के स्तंभ। आजम खां के परिवार से मिले जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के परिजनों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के द्वारा हो रही कार्रवाई पर RLD के प्रमुख जयंत चौधरी बोले, यह गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक भी है, इसका कानून में कोई आधार नहीं है, अगर कोई अपराधी भी है तो उस पर भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई का हक उसका भी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोविड स्थिति की समीक्षा के संबंध में DDMA की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 570 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी बढ़त के साथ बंद। IPL 2022, दिल्ली कैपिटल्स में एक और विदेशी खिलाड़ी का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव। CM धामी ने अफसरों को चेताया, बिजली पानी की शिकायतों पर दिखे सख्त, कहा मुआवजा वितरण में देरी पर होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।